Hello friends, today I welcome you to the Sarkari Son-in-Law channel. Aaj hum purane papers jo Punjab mein aaj tak aaye hain, un exams mein jo English part hai, uske questions karne ki series shuru kar rahe hain. To aaj hum Punjab Mandi Board ke exam ke bare mein uska English part karenge. Is paper mein 100 question aaye the aur usme sirf 3 English ke questions the. क्वेश्चन नंबर 81, 82 एंड 83. तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड. योर आंसर यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहले टेक्निक है इसको करने की, तो सबसे पहले हमको एलिमिनेट करनी है ऑप्शंस. तो टी आर यू ले, ट्रू ले, ये तो वर्ड ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं. तो अब नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, टी आर यू ई एल वाई और टी आर यू एल वाई. सो फ्रेंड्स, हम छोटी क्लासेस में जब भी हम एप्लीकेशन लिखते होते थे, जब टीचर को लिख रहे हैं, जब स्कूल के लिख रहे हैं लीव एप्लीकेशन, तो वहाँ पे लिखते होते हैं योर्स ट्रूली, तो वहाँ पे ट्रूली होता है, तो टी आर यू ई नहीं होता. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गई और नॉन ऑफ दिस भी गया, तो आपके पास ऑप्शन बची ट्रूली, टी आर यू एल वाई. तो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ रीता इज़ मोर ब्यूटिफुल देन रूबी. इसको यार मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, आर फॉर रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रूबी, आर यू से डिनोट कर लेते हैं इसको. ठीक है, बट नॉट एज ब्यूटीफुल एज अनीता. इट मीन्स अनीता इज मोर ब्यूटीफुल, अनीता ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई एक तरह से. अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट. देखो क्वेश्चन में है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट क्या है क्वेश्चन में आपके पास, नॉट पूछा है ना कि सही पूछा है. तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है अनीता, तो अनीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है. अनीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रूबी, अनीता रूबी से ब्यूटीफुल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. हमको तो रॉन्ग चाहिए. द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग दैम इज़ रूबी, तो रूबी तो नहीं है, तो ये आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. चार वर्ड्स दिए हैं देखो, मैसेंजर अब सबको आ रहा होगा याद, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है, और टेलीग्राम, ये सारे क्या हैं, सारे मैसेंजर्स हैं जो मैसेज पहुंचाते हैं. ठीक है, तो देखो एम ए डबल एस ए एन जी ई आर, ये तो गलत ही हो गया. मैसेंजर में जो स्टार्टिंग के वर्ड है ना, वो एम ई डबल एस से शुरू होता है, एम ए डबल एस, ये भी गलत हो गया, ये तो मास हो गया. तो एम ए डबल एस ई एन जी ई आर एंड एम ई डबल एस ए एन जी ई आर, याद रखें फ्रेंड्स, मैसेंजर में सभी ई होती हैं, तो एम ई डबल एस ई एन जी ई आर, ये आपके पास ऑप्शन है, यही आपका आंसर है. ठीक है,